नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, पाकिस्तान से युद्ध के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। ये नारा देश के दिल में घर कर गया, किताबों में पढ़ाया गया, हमेशा के लिए अमर हो गया। लेकिन क्या मोदी सरकार में इस नारे की भावना को भुला दिया गया है? कितना शर्मनाक है कि जवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि किसानों की पिटाई किस तरह करनी है, कौन सी टेक्निक अपनानी है, किसानों को पीटते वक्त आपको किस टेक्निक का इस्तेमाल करना है। शंभू बॉर्डर पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, रबर बुलेट चलाई जा रही है, पत्रकार भी इसका सामना कर रहे हैं। और हरियाणा के तमाम जिलों में ऐसा बंदोबस्त किया गया है कि किसान दिल्ली ना पहुंच सके। ठीक है, आपकी ड्यूटी है, अगर सरकार ने आदेश दिया है तो पुलिस बल को उसका पालन करना होता है। लेकिन क्या आप इसमें भी इस तरह के बयान दे सकते हैं कि मानो ये आपके लिए अपने आप को साबित करने का अवसर है, एक चुनौती है पुलिस बल के सामने? दोस्तों, कई किसान नेताओं ने ऐसे बयान दिए हैं कि पुलिस बल में भी हमारे बेटे हमारे भाई नौकरी करते हैं, तो उनके साथ कोई टकराव नहीं होना चाहिए, आंदोलन में हिंसा नहीं होनी चाहिए, आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाना है, क्योंकि अगर आंदोलन में हिंसा होती है, अगर हम कानून हाथ में लेते हैं तो फिर आंदोलन बदनाम हो जाएगा। कई किसान नेताओं ने वीडियो जारी करके ऐसे संदेश दिए हैं। तो पुलिस भी जब कोई बयान जारी करती है, संदेश देती है, तो उनके बयानों में, उनकी जुबान में भी संवेदना दिखनी चाहिए। कैथल में डीसीपी रविंद्र तोमर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो जवानों को समझाते हैं कि किसानों की पिटाई कैसे करनी है। जरा ये वीडियो देखिए पहले। बहुत मारनी है, लठ नहीं मारने, समझ गए? उससे आपसे दूरी बनी रहेगी और उसको चोट कम से कम लगेगी, और आईटीबीपी को हम प्रैक्टिकली करके बता देंगे कि ये खोद क्या है। तो यहाँ पर डीसीपी साहब समझाते हैं कि किसानों को लठ नहीं मारनी, मतलब ऐसे करके नहीं मारना है, ऐसे करके मारना, मतलब इसको खोद कहते हैं हरियाणा में, और इसको इन्वेंशन बताते हैं। डीसीपी साहब बताते हैं कि ये खोज है हरियाणा की, जिसका इस्तेमाल करना है। आगे क्या कहते हैं जरा सुनिए। जैसे जुगाड़ है ना भारत का, एक ये हरियाणा की एक इन्वेंशन है, खोज है, खोज। तो डीसीपी साहब टेक्निक समझा रहे हैं, कहते हैं कि आईटीबीपी को भी सिखा देंगे। इसमें भी गर्व महसूस करते हैं कि यह हरियाणा की खोज है, जिसके माध्यम से किसानों की पिटाई करनी है। डीसीपी साहब को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। ठीक है, पुलिस की ड्यूटी है सरकार के आदेश का पालन करना है, तो पुलिस की ड्यूटी है किसानों को रोकना, लेकिन ऐसे वीडियो इस अंदाज में क्या जारी करने चाहिए इतने वरिष्ठ अधिकारी को? किसानों पर बल प्रयोग को लेकर विपक्षी नेताओं ने मुद्दा उठाया है, और पवन खेड़ा इसे लेकर क्या कहते हैं? पवन खेड़ा कहते हैं कि जहां एक तरफ किसानों से वार्ता का ढोंग, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं किसान नेताओं के ट्विटर हैंडल्स बंद करवाए जा रहे हों, दूसरे दिन उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हों, तो ऐसे में सरकार की नीयत पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये पवन खेड़ा ने सवाल उठाया है, क्योंकि बहुत सारे किसान नेताओं के ट्विटर अकाउंट को विथहेल्ड किया गया है, यानी पोस्ट करने से रोका गया है, अब वो कुछ पोस्ट नहीं कर सकते, और उनमें वो किसान नेता भी शामिल हैं जो सरकार के साथ कल हुई मीटिंग में शामिल थे। तो किसान नेताओं पर बैन को लेकर पवन खेड़ा ने आवाज उठाई है। अखिलेश यादव क्या कहते हैं? अखिलेश यादव कहते हैं कि भाजपा राज में ये है भला कैसा अमृतकाल, किसानों पर आंसू गैस के गोलों की बौछार, धिक्कार धिक्कार धिक्कार। तो ये मोदी सरकार पर धिक्कार कर रहे हैं विपक्षी नेता, लेकिन क्या विपक्षी नेताओं की आवाज सुनी जाएगी, या मोदी सरकार ने यह मान लिया है? क्योंकि प्रोटेस्ट करने वाले ज्यादातर किसान पंजाब हरियाणा के हैं, पंजाब में बीजेपी का वैसे भी बुरा हाल है, तो बहुत ज्यादा लोकसभा सीट आने की उम्मीद नहीं है, तो यह माना जा सकता है कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स में सरकार ये समझती है कि इस किसान आंदोलन से हमारी सेहत पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का भी एक बयान सामने आया है, वो कहते हैं कि किसान एमएसपी पर अड़े हैं, तो तुरंत तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसके लिए कमेटी बनाई जाएगी, हमें समय चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार अब तक आखिरकार क्यों सोई हुई थी? क्या किसानों ने सरकार को समय नहीं दिया? किसान आंदोलन को भी लंबा वक्त बीत चुका है, जब तीन कानून वापस लिए तो सरकार ने कहा था कि कमेटी बनाएंगे एमएसपी को लेकर, उसके बाद क्या हुआ? एमएसपी को लेकर क्या सरकार ने पहला कदम भी आगे बढ़ाने का काम किया? तो अब भी किसान ये कह रहे हैं कि बस आप ऐलान कर दीजिए। अब कृषि मंत्री कहते हैं कि राज्य सरकारों से चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें राज्यों का भी मुद्दा है, तमाम राज्य सरकारों से विचार विमर्श के बाद ही हम इस मामले में कोई समाधान निकाल सकते हैं। तो सरकार क्या अब तक सोई हुई थी?
ये किसानों की एक दिन की मांग नहीं है। एमएसपी एक ऐसा मुद्दा है जो एमएस स्वामीनाथन ने भी उठाया था। स्वामीनाथन साहब को मोदी सरकार ने भारत रत्न तो दे दिया, लेकिन उनकी सिफारिश के मुताबिक आखिरकार एमएसपी क्यों लागू नहीं होनी चाहिए? चलो स्वामीनाथन साहब को छोड़ दीजिए, पीएम मोदी मनमोहन सरकार से मांग कर रहे थे कि एमएसपी को अनिवार्य किया जाए। तो अब 10 साल से मोदी सरकार है, पीएम मोदी कहते हैं कि मेरी गारंटी की देश दुनिया में चर्चा होती है, तो जो बात आप रखते थे, जो सिफारिश आपने मनमोहन सरकार को की थी, आखिरकार उसे पूरी करने में दिक्कत क्या है? बहुत सारे राज्यों में बीजेपी की ही सरकार है, तो क्या वहां पर एमएसपी को अनिवार्य कर दिया गया? मान लीजिए अगर विपक्षी राज्य नहीं मान रहे, हालांकि ज्यादातर विपक्षी दलों का कहना है कि एमएसपी की मांग किसानों की मान ली जाए, अगर सरकार आगे बढ़ती है तो हम इसके साथ हैं। तो आखिरकार बीजेपी सरकार एमएसपी के मुद्दे को क्यों टाल रही है? अगर आपने किसानों से वादा किया था, कभी बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी इस बात को रखा था, पीएम नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो मनमोहन सरकार को इस बात की सिफारिश की थी, तो किसान भी पीएम मोदी की डिमांड को ही आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार बार बार मोहलत की राजनीति कर रही है, तो किसान आखिरकार कब तक मोहलत देंगे? किसान ये भी नहीं कहते कि आप कल ही एमएसपी को लागू कर दीजिए, लेकिन कम से कम सरकार कोई ऐसा ऐलान तो करे। कम से कम अर्जुन मुंडा को ये आरोप लगाने की बजाय कि किसान जिद कर रहे हैं, किसान सब कुछ तुरंत चाहते हैं, मतलब बार बार ये तुरंत वाली जो बात की जाती है, तब भी ये कहा गया जब किसान आंदोलन हुआ था कि किसान तुरंत चाहते हैं। उसके बाद एक लंबा समय बीत गया, तो अब तक सरकार ने क्या किया? अब एक बार फिर किसान यही कह रहे हैं कि मोदी सरकार बस ऐलान कर दे। किसानों का मुख्य मुद्दा तो एमएसपी का ही है, बाकी भी बहुत सारी मांगे हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा जो है वो एमएसपी का है। तो उसको लेकर अगर सरकार कोई निर्णायक या बड़ा ऐलान करती है तो फिर किसान नेताओं पर भी सवाल उठ सकते हैं। लेकिन मोदी सरकार कम से कम अपनी तरफ से तो कोई ईमानदारी दिखाए। हो क्या रहा है, पिछले किसान आंदोलन में भी मीटिंग का खेल किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी को छोड़कर सब मंत्रियों ने मीटिंग कर डाली, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, तब के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर हो, आज अर्जुन मुंडा को सामने कर दिया है। अब चेहरे तो बदल गए लेकिन सरकार तो वही है। अब अर्जुन मुंडा कहेंगे कि मेरे साथ तो एक ही मीटिंग हुई है। सरकार मोहलत की राजनीति कर रही है, और जब आप मोहलत की राजनीति भी कर रहे हैं तो आप किसानों पर बल प्रयोग क्यों करवा रहे हैं? क्या इस बात का ग्राउंड तैयार किया जा रहा है कि सड़कों को रोक दिया जाए? जब किसान बैरिकेटिंग हटाएंगे, पुलिस के साथ टकराव होगा, तो कहा जाएगा कि देखिए अराजकता फैला रहे हैं। बहुत सारे देशों में किसान आंदोलन होते हैं, इसी तरीके से होते हैं या इससे भी खराब तरीके से होते हैं। क्या देश की राजधानी में मोदी सरकार से पहले किसान नहीं आए? ऐसे में सरकार जब वादा खिलाफी कर रही है तो क्या किसानों को दिल्ली आकर अपनी मांग रखने का अधिकार नहीं है? आप किसानों पर बल प्रयोग को लेकर क्या सोचते हैं, और अधिकारियों के ऐसी ट्रेनिंग देने को लेकर क्या सोचते हैं जहां सिखाया जा रहा है कि किसानों की किस तकनीक से पिटाई करनी है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।